अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको कनाडा में ग्रॉसरी का एक्सपीरियंस देता हूँ। कैनेडियन सुपर स्टोर में आ गया हूँ और मैं बस कार्ट लेने वाला हूँ और फिर चलते हैं। अच्छा, ये कार्ट्स का होता है, इसमें ही कि आपको ये $1 मेरे पास से ये चाहिए होता है और आप जो है यहाँ पे ये $1 लगाएं और ये कार्ड जो है बाहर आ जाएगी। तो ये कार्ड मैंने ले लिया और अब जो है चलते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, बारिश हो रही है अभी और ये जो है मैं सुपर स्टोर नॉर्थ ईस्ट में एक सुपर स्टोर है उस तरफ आया हूँ। आज हम लोग ग्रॉसरी कर रहे हैं। अच्छा, कैनेडियन ये जो सुपर स्टोर है यहाँ का, कनाडा का समझ लें ग्रॉसरी करने के लिए सबसे बड़ा स्टोर है, जिसमें लोग जाते हैं। प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल होती हैं इनकी और पानी पड़ा हुआ। अच्छा, तो मैं चलते हैं फिर अंदर और फिर वहाँ से जो है उठा देती हूँ। आप अनियंस और लेमन उठा दें। अनियंस और लेमन चलें भाई, मैं जो हूँ अनियंस और लेमन और पोटैटो उठाने के लिए जा रहा हूँ और ये लेमन्स आ गए, लेमन्स पड़े हुए आपको दिखाते हैं। तो ये जो है लेमन्स आ गए, तो मैं लेमन्स उठा लेता हूँ। ओके, तो ये लेमन्स हैं, इसको ज़रा मैं ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे ये लगी हुई होती हैं शॉपर्स बैग, आप जो है यहाँ से उठाएँ इसको और जो है ये लेमन्स देखें कितने बड़े हैं पाकिस्तान के मुकाबले। सारे लेमन्स हैं और ये ऑरेंजेस लगे हुए हैं, सही है। और हाँ, छोटे वाले लेमन्स ये भी रखे हैं, ये लाइम रहते हैं, मैक्सिको के होते हैं ये, तो इसको उठाते हैं। अच्छा, ये बनानास रखे हुए, ये मैंने अभी उठाए हैं, दोनों ग्रीन कलर और येलो दोनों, थोड़े से ग्रीनिश आप लेते हैं तो वो देर तक चलते हैं बनानास। और ये जो है कुछ और बनानास आ गए और एक ये जो है आपको दिखाते हैं, ये पाइनएप्पल्स रखे हुए हैं और ये जो है मेलन सेंटा क्लॉस कैंटलूप ये रखे हुए हैं, कैंटलूप है। अच्छा, ये जो है पेयर्स आ गए, तो ये और आगे जो है चलते हैं। तो ये एप्पल्स हैं, ये एप्पल्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल्स, ये आप देखें कितने शाइन कर रहे हैं यहाँ के ये एप्पल्स। और यहाँ पे बीसी से जो ब्रिटिश कोलंबिया उसके भी आते हैं, ये जो एप्पल होते हैं मुझे बहुत पसंद, ग्रीनिश टाइप के, लेकिन जनरली जो रेड एप्पल्स हैं ये एप्पल रेड डिलीशियस, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं जनरली ये वाले लेता हूँ। तो आगे चलते हैं, ये तो कुछ फ्रूट्स का सेक्शन था, आगे ये टोमेटोस आ गए, तो मुझे टोमेटोस उठाने। लोग जो है फेस मास्क का पहने हुए हैं, वो कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ और एप्पल्स रखे हुए हैं, तो मैं इसको यहाँ से, ये मैंने शॉपर बैग लिया, ये कार्ड है, सही है। तो चांस को चलेंगे, मैं कुछ ये टोमेटोस यहाँ पे ये भी उठा लेता हूँ। अच्छा, ये जो है ये अनियन वाइट है, डिफरेंट टाइप्स के अनियंस हैं यहाँ पर,
अनियन वाइट्स है और फिर ये जो है थोड़ा डिफरेंट कलर है, अनियन रेड लिखा हुआ है और अनियन येलोस है, तो तीन डिफरेंट टाइप्स के अनियंस हैं। और अगर आगे जाएं तो ये पोटैटो रेड रखे हुए हैं, रेड कलर के पोटैटो, और पोटैटो वाइट, और ये भी तीन डिफरेंट टाइप के पोटैटो, पोटैटो बेकिंग, हम लोग ये बेकिंग वाले लेते हैं ज़्यादातर, तो ये सही रहता है। आई डोंट नो इनमें क्या डिफरेंस है, इसका मुझे नहीं पता। सही है, तो ये तो अनियंस हो गए। और अच्छा, ये जो है यहाँ पे ये बहुत से शेल्फ्स जो बने हुए हैं, इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ना डिफरेंट चीज़ें रखी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये फुल ऑफ बीन्स हैं इसमें, सही है। और इसमें जो है ये डिफरेंट दालें वगैरह, आप समझ लें दालें रखी हुई हैं। अच्छा, इसमें जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं। और यहाँ पे ये ऊपर अगर जाऊँ, ये जो है कुछ ये जेलीस वगैरह हैं, ऊपर ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये जेलीस वगैरह रखी हुई हैं, तो ये बहुत लंबे, ये आप जो है ख़ुद ही। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि बस आप जो है, अगर आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये नट्स चाहिए, तो मैं ये खोलूँगा, नट्स का पैकेट उठाऊँगा, और उसमें उन्होंने एक्चुअली अब टैग्स तो लगाए हैं, अदरवाइज़ अगर टैग नहीं लगाओ तो ये जो नंबर है आप उसके ऊपर लिख दें, और सेल्फ आप जब जब पे करने जाएँ तो वो नंबर पंच इन करेगी, और फिर आप जो है पे इस तरह कर देंगे। तो इस तरह के ये सारे बॉक्सेस हैं। अच्छा, एक मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक कॉर्न्स रखे हैं, ये जो है भुट्टे, तो लेकिन इनकी हालत जो है मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसको नहीं लूँगा। तो लेकिन ये कि हमने पास में भुट्टे भी, आप लेके फिर बेक कर सकते हैं। चलें भाई आगे चलते हैं। अच्छा, ये आगे मैं आ गया हूँ, ये कुछ मीट का सेक्शन आ गया है, सारी चिकन रखी हुई, लेकिन ये वाली जो चिकन है वो हलाल नहीं है। अच्छा, हलाल का सेक्शन आगे आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे भी ये सारे मीट जो हैं, लोग अपने मीट पिक कर सकते हैं। सही है, आगे चलते हैं। ये जो है ये देखें, हलाल का सेक्शन आ गया, ये इसमें जो है ये कुछ हॉट डॉग्स टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं, और जो क्विक कुकिंग होती है जो आप कर सकते हैं। सही है, तो इसमें जो है ये आप बना सकते हैं, लेकिन हलाल चिकन में मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेक्शन जो है हलाल का है, तो इसमें ये ज़बिया हलाल आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और ये चिकन्स रखी हुई हैं इसमें। ये जो मीना क्या नहीं, ये सफरा का ब्रांड आता है जो कि हलाल है, तो ये इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं हलाल। तो ये चिकन जो है आप यहाँ से सुपर स्टोर से भी ले सकते हैं, वरना जनरली हम लोग देसी स्टोर से लेते हैं ये पूरा सेक्शन। अच्छा, ये जो है जूसेस का सेक्शन आ गया, तो ये ऑरेंज जूसेस, ये ट्रॉपिकाना के अच्छे होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक और ब्रांड, यस ये जो है पीसी का या ग्रेट कैनेडियन का एक मैंने ब्रांड ट्राई किया था, वो मैं ढूंढने की मैं देख रहा हूँ। ट्रॉपिकाना के ब्रांड्स, तो ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जूसेस आप ले सकते हैं। मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है अभी, छोटा वाला था ये, आई गेस ये था सिंपलिसिटी ऑरेंज। तो मैं ये जो है, अगर आपको जो भी चीज़ लेनी हो आप ये खोलें। अच्छा, मेरे ख्याल से ये था एक्स्ट्रा पो, तो ये एक मैं, ये तो बहुत वो लग रहा है मुझे, ये वाला 100% आई डोंट नो, ये तो बहुत ही पतला लग रहा है। 27 एक्चुअली ट्रॉपिकाना का ही मैं ले लेता हूँ, ये भी अच्छा होता है, ये मैंने एक ले लिया। आगे अगर मैं चलूँ तो ये एग और मिल्क का सेक्शन आते हैं। अच्छा, ये सारे डिफरेंट टाइप्स के मिल्क रखे हैं। पहले मैं ये रख देता हूँ, अपनी कार्ड जो कि यहाँ पे रखी हुई है, कार्ड में ये रखता हूँ, और फिर जो है वापस जाके। अच्छा, एग्स जो है यहाँ से ये एग्स पड़े हैं, वहाँ से ये लार्ज वाले पड़े हैं, तो लार्ज
थ्री और एट के। अच्छा एग्स में आपको ये देखना होता है, मैं खोल के हमेशा देखता हूँ कि कोई ख़राब तो नहीं है। तो सही लग रहा है ये वाले, एक ये वाला ले लेते हैं और एक और ये भी सही है, तो एक ये वाला। तो दो एग्स उठा लिए और उसके बाद जो है ये एग्स दे दिए, मिल्क भी ले लेता हूँ, मुझे मिल्क चाहिए पकड़ना है। तो मिल्क ये रखे हैं, तो मैं मिल्क को भी देख के अभी उठा लेता हूँ। अच्छा एक सेक्शन ये है कि जिसमें ये आपको समोसे वगैरह और इंडियन कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे तंदूरी पनीर ये रखा हुआ है, ये समोसे रखे हुए हैं सही है, और ये स्प्रिंग रोल्स वगैरह भी रखे हुए हैं, ये चीज़ें सारी फ्रोज़न, और ये छोले भटूरा वगैरह चीज़ें रखी हुई हैं, ऊपर भी समोसे। यहाँ पे मैं पराठे देख रहा था, पराठे ख़त्म हो गए, सो आई डोंट थिंक सो के यहाँ पर भी हैं। और चीज़ें हैं ये दाल तड़का, पंजाबी छोले, आलू टिक्की, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन पराठे मेरे ख्याल से नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आपको ब्रेड के सेक्शन में लेके आता हूँ, ये सारी ब्रेड्स हैं। अच्छा आप ये टाइप्स देख लें, डिफरेंट ब्रांड्स की ब्रेड्स हैं, तो डिफरेंट प्राइसेस हैं उसकी, $3, $150, $234। हम लोग जो जनरली लेते हैं, या तो कभी कभार ये वंडर ब्रेड भी, अच्छा देख लें वंडर का ब्रांड यहाँ पर भी है, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, सारी वंडर की रखी हुई हैं। और हाँ ये जो मैं लेता हूँ हूँ यहाँ पे, ये जो है काफ़ी सही ब्रेड होती हैं, जिसकी प्राइस जो है $1.57, $1.57 समझ लें आप, अबाउट 150 rupees समथिंग लाइक दैट। तो अच्छा इसकी ये चीज़ देखनी होती है कि इसकी एक्सपायरी क्या है। अच्छा इसकी ब्रेड की एक्सपायरी जो है यहाँ पे लिखी होती है, तो ये है July 24th लिखी हुई है, तो आज है मिड July 24th, तो आने वाली है। चलो और देखते हैं कि अगर इससे ज़्यादा एक्सपायरी वाली है, तो ये इसका जो है ये भी July 24th है, नीचे वाली उठा के देखता हूँ मैं, तो ये July 24th ही है, तो फिर मैं बस एक ही ले लेता हूँ ये ब्रेड। अच्छा ये जो होता है सुपर स्टोर पर, यहाँ पे केक्स का भी ये सेक्शन है, बेकरी सेक्शन में, तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे केक्स रखे हुए हैं, चॉकलेट केक वगैरह, ये आप यहाँ पे उठा सकते हैं। ये $5 का केक है, ये $12 ये इनकी प्राइसेस हैं। ये और ब्रेड्स रखी हुई हैं। अच्छा ये एक चीज़ मुझे याद आ गई, नान भी मुझे मैं यहाँ से उठा लूँगा, लेकिन मुझे अभी जो है बेगल लेने हैं, बेगल मैं देख लेता हूँ कौन से हैं, कौन से ये सेसम थोड़े सख्त लग रहे हैं बेगल, ओ यहाँ से ये नान भी उठा ले, नान। अच्छा ये नान्स भी रखी हुई हैं, सूरज नान्स, या फिर ये वाली आप, ये जो है ये एक बेकरी होती है, कौन सी बेकरी है, या बालादी ब्रेड, ये भी सही होती हैं, आप ये ले सकते हैं। फिर ये जो है सूरज नान्स वगैरह भी, ये भी रखी हुई है, अब ये भी ले सकते हैं। मैं इसे बेगल्स देख लेता हूँ, तो बहुत सख्त लग रहे हैं ये वाले, वॉलमार्ट में जो मिलते हैं दूसरी जगह वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सो शायद मैं बेगल्स को छोड़ दूँ। अच्छा ये ग्रीन अनियंस रखी हैं, ये हम लोग कभी कभार जो आमलेट बनाते हैं, कभी कभार तो नहीं बनता है ऑमलेट, उसमें डलती हैं, तो ये मैंने एक ग्रीन अनियंस ले ली, ग्रीन अनियंस, ओ या हनी भी लेना है। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको ये सारी चीज़ें खाता हूँ, ये सारी सब्ज़ियाँ वगैरह रखी हैं, ये गाजर, गाजर तो नहीं है क्या, ये कैरेट बंच्ड है, $2.48 तकरीबन, ₹300, और ये जो है ये गाजर्स रखी हैं, कैरेट्स, ये और उससे ज़्यादा मोटी वाली गाजर, ये जो है आपके कॉलीफ्लावर्स रखे हैं,
अच्छा भाई ये ब्रोकली आ गई। ब्रोकली ये जो है बहुत हेल्दी होती है, एंटी कैंसरस होती है, एंटी एजिंग कहते हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी है। और आगे जो है ये चीज़ें आप देख सकते हैं, सिलेंट्रो वगैरह आगे, ये और चीज़ें आगे रखी, सारी चीज़ें ले गई। ये सेल्फ चेकआउट ऑप्शन होता है, इसको जो है इसका मतलब ये होता है कि आप जो है सारी चीज़ें खुद जो है स्कैन कर सकते हैं। जैसे मैं ये स्कैन कर रहा हूँ इसमें आपको सिर्फ बार को देखना होता है और बॉक्स में रखते थे वो जो पीछे। अच्छा ये लास्ट फ्यू आइटम्स जो है बस हम लोग स्कैन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो गई। ओके अब आपको पे करना होता है तो आप पे करें क्लिक। कितने बैग्स लिए? 1 2 3 4 5 6 सिक्स बैग्स हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स बैग्स पे आपने किया और फिर आप पे दबा दें नो थैंक यू। और अब जो है मैं ये इसको क्रेडिट कार्ड से पे कर दूंगा। यहाँ पे आप वीज़े का ये दबाएं और यहाँ पे $93 बने, क्लोज टू $100 तकरीबन समझ लें, 10,000 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये अप्रूव्ड हो गया, ये आपने यहाँ से रिसीट ली और यहाँ पे इसके अंदर डाली और फिर आप जो है ओह हमारे पास ये है उसमें वापस कार्ट में डालें चीज़ें और फिर आप यहाँ से दिस इज द शॉपिंग फाइनल फ्रॉम द सुपर स्टोर। तो ये जो है ये था शॉपिंग एक्सपीरियंस कैनेडियन सुपर स्टोर का। बड़ा ईजी होता है, आज जो है रश नहीं था तो उस हवाले से अच्छा रहा, इतने लोग नहीं थे, जल्दी चीज़ें हो गई। और जो है जाते हैं गाड़ी की तरफ और रखते हैं।